उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर, जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सुरंग के पास हलचल तेज दिख रही है। वहां पर सड़क है, उसको और फ्लैट किया जा रहा है। पूजा पर वहां सुरंग के जो विशेषज्ञ हैं नॉल्ड्रिक्स, वो वहां बैठकर पूजा कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। आशुतोष, ये पूजा पाठ, और एक तरफ वो कह रहे हैं मैं सकारात्मक महसूस कर रहा हूं, फिर पूजा पाठ भी कर रहे हैं, ये सारे संकेत क्या दे रहे हैं? ये संकेत ये देते हैं कि वो शुभ घड़ी शायद आज ही हो और मंगलवार को यहाँ पर भी मंगल हो जाएगा उन 41 मजदूरों का और साथ ही इसमें लगे उन सैकड़ों राहत बचाव कर्मियों का भी। दरअसल जब ये हादसा हुआ था और पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है, तब मुझे पहली बार पता चला कि प्रोफेसर आर्नोल्ड जो कि स्लोवेनिया में थे उस समय, उनको यहाँ बुलाया जा रहा है। NHIDLC कोशिश कर रही थी वहां से, मुझे लगातार कोई एक वादा करते रहे कि किसी भी हाल में मैं उन्हें निकाल कर लाऊंगा। और उनकी आस्था यहाँ आकर के मुझे उनके बारे में तब पता चला जब हर दिन वो जा करके, जिस दिन मंदिर अंदर लगाया गया, स्थानीय लोगों ने कहा यहाँ मंदिर था उसे तोड़ा गया था, फिर उन्होंने अंदर से जो मंदिर था उसे लाया गया, काली माँ का मंदिर एक स्थापित किया गया। तो प्रोफेसर आर्नोल्ड ने मुझे ये भी कहा था कि देखिए मेरी काली से एक डील हुई है और वो बहुत बड़े, देखिए उनकी बहुत आस्था है, हर दिन सुबह सुरंग में जाने से लेकर बाहर आने तक वो हर बार इसी तरह ऊपर जाते हैं, पूजा करते हैं और लगभग 25 मिनट हो चुके हैं वो उस मंदिर के नीचे ही बैठे हुए हैं पुजारी के साथ, क्योंकि अब राहत बचाव कार्य अपने आखिरी चरम पे है। तो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं कि और ये कैसे साइंस यानी विज्ञान का भी सहारा, आस्था का भी सहारा, और जिन मशीनों को आप देख रहे हैं उनके आगे ये अब ये काम कर रही हैं कि सुरंग के मुहाने से लेकर के बाहर की जो सड़क है, कनेक्टिविटी सड़क है, यहाँ के मलबा को निकाल करके सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाए, क्योंकि 41 एम्बुलेंस है यहाँ पर मौजूद है और उन 41 एम्बुलेंस को दरअसल आसानी से सुरंग के भीतर भेजा जाए और टनल से बाहर निकाला जाए, ताकि जो भी प्राइमरी चिकित्सा केंद्र है जहाँ मजदूरों को ले जाने की तैयारी है उसके बीच में कोई अड़चन बाधा ना आए। लेकिन ये तस्वीरें इतनी दिलचस्प हैं कि किस तरह एक शख्स जिसके पास 13 से 14 देशों पे टेक्निकल एक्सपर्टीज, उनके तमाम लोगों को वो नियंत्रित करते हैं, प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के, यहाँ आने के बाद उनकी आस्था भी दिखाई पड़ती है और उसी के ठीक बगल में स्थानीय जो लोग हैं वो ऊपर जो उन्होंने मंदिर की स्थापना कर रहे हैं वहां के लिए सीढ़ी भी बना रहे हैं, रास्ता भी बना रहे हैं, ताकि बाकी लोग, जैसे CM गए देखने के लिए, VK सिंह भी गए वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए, और जितने लोग हैं हर कोई जा रहा है। ठीक कैमरा जैसे आपको बगल में जाएगा तो आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन की एक और तस्वीर दिखाई पड़ती है, वो है उन बचाव कर्मियों की, उन देवदूतों की जिन्हें NDRF कहा जाता है। हर मुश्किल ऑपरेशन जब इवैक्यूएशन होता है, रेस्क्यू होता है, उसमें वो कारगर होते हैं, यानी एक तरफ पहुंचने की कोशिश विशेषज्ञों द्वारा, कुशल कारीगरों द्वारा, दूसरी तरफ आस्था का सहारा, तो तीसरी ओर तैयारी फटाफट टनल के अंदर घुसने की। येलो शर्ट में आप टी शर्ट में देख रहे हैं वो SDRF हैं, उनके जो पीछे नारंगी कपड़ों में हैं वो NDRF के देवदूत हैं। ये तुरंत अपना सारा सामान लेकर के तैयारियों के सुरंग के भीतर जाएंगे, आपको फिर एक बार सुरंग के मुहाने पर लेकर के आते हैं। पुजारी लगातार वहां पूजा पाठ कर रहे हैं और 25 मिनट से ज्यादा हो गया है। प्रोफेसर आर्नोल्ड अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, इसी बीच आशुतोष रोक रही हूं आपको, बड़ी खबर आ रही है कि अब देखिए 3 मीटर की दूरी बची है, साथ ही साथ जो परिवार वाले हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनको भी कहा गया कि आप आ जाइए, साथ ही साथ यहां अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया, एम्बुलेंस को वहां पर लाने की योजना चल रही है कि अगर थोड़ी देर में ये कामयाबी मिलती है तो मजदूरों को हो सकता है अस्पताल ले जाने की जरूरत आन पड़े। उत्तरकाशी में आखिरी दौर में इस वक्त बचाव कार्य चल रहा है, आज सुरंग से बाहर आ सकते हैं 41 मजदूर, अगर कोई बड़ी अड़चन नहीं आती है तो ये उम्मीद की जा सकती है और प्रबल उम्मीद लग रही है। ये सुरंग के पास पहुंचे कई मजदूरों के परिजन, उनसे भी खास बातचीत हुई है और वो किस तरह लंबा इंतजार उनका 17 दिन का था, उनसे बात की, आप सुनिए। आज जो माहौल है वो थोड़ा सा खुशी का नजर आ रहा है, जैसे ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब ने ये खबर दी कि कल काम अच्छा रहा, रात भर काम चला, उसके बाद उम्मीदें और दुगनी हो गई हैं। कल्पना कीजिए कि तमाम मजदूर, उनके परिजन यहाँ पे आए हुए हैं और दूर दूर से उत्तराखंड वासी भी गंगोत्री से, यमुनोत्री से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी लगातार दुआ कर रहे हैं। क्या माई क्या क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं, हम देव देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, भगवान गंगा, यमुना, किशोर राणा, जस करें सब हमारे बच्चे सब बाहर निकल जाएंगे, श्याम को हमारे बच्चे निकल जाएंगे बाहर। जी तो मैं हम गंगोत्री से आए मैम, और गंगोत्री से आए हैं हमारी टीम पूरी, गांव वाले आ रखे थे यहाँ पे और नाग देवता से प्रार्थना करने आ रखे थे और गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, रोजी करते हैं और पूरी आश है।
देशवासी भी सुनना चाहते हैं और आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, क्या प्रार्थना? बिल्कुल, प्रार्थना में हमने अब यहाँ पे आके भी नाग देवता को मनाया है गीत के माध्यम से, एक भजन के माध्यम से, और मैं गाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी गंगा में जी, तो गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तू देनी है जे, यमुनोत्री की यमुना माँ भगवती तू देनी है जे, गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तू